हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा पीरियड है मैथ्स को लेकर है, अर्थमेटिक को लेकर, और इसकी आज मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिनका काफ़ी शॉर्ट टर्म से इस्तेमाल किया जाएगा, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है बहुत ही पसंद आएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही फेवरेट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हीं के लिए आज हम फोकस करने जा रहे हैं, और इनको मैं तरीके तरीके से बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन होता है पहला कि 14 पेन हैं और 17 पेंसिल हैं, 14 पेन हैं और 17 पेंसिल हैं, इनका जो प्राइस है वो 146 रुपये है, ऐसे दे रखा है। उसके बाद कहा है कि अगर 17 पेन हो और 14 पेंसिल हो और इनका जो प्राइस है वो है 164 रुपीज़, ऐसे दे रखा है। और आपसे कहा है कि 3 पेन का मूल्य बताइए, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जनरली अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो दो इक्वेशन बना के हम इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि x की वैल्यू को बराबर कर लीजिए, y की वैल्यू को बराबर कर लीजिए, बराबर करने के बाद में काट दिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी टाइम लेगा। तो उसके लिए हमने एक चीज़ बताई है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 17 और 14 को। तो 17 और जब 14 को प्लस करोगे ये आ जाएगा 31, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 6 4 10 की 0 ऐसे लगा, 6 4 10 और 11 का 1 लगाए गया, आ गया 310। ये दो संख्या आ गई आपकी। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 310 को 31 से, ये क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमने जिस जिस संख्या को प्लस करा था अब हम उसे माइनस करते हैं, 17 में से 14 माइनस कीजिए ये आ गया 3, और 164 में से 146 को माइनस कीजिए ये आ जाएगा 18। उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 6। अभी जो दो नई संख्याएं आई हैं इन दोनों को जोड़ के इनका आधा कर दीजिए तो ये डायरेक्टली एक पेन की वैल्यू आ जाएगी निकल के। और आपसे कितने पूछे हैं, 3 पेन पूछे हैं, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 से 24 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है कि इक्वेशन को आप लिखेंगे, उन्हें इक्वेट करेंगे, उन्हें बैलेंस करेंगे, फिर उन्हें कटिंग करेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए हो सकती है। दोनों को हमने प्लस करा और आधा कर दिया एंड गेट द आंसर, ये एक पेन की वैल्यू आएगी, 3 पेन की पूछी थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से अगर मान लीजिए पेंसिल की पूछता कि पेंसिल की वैल्यू क्या है, तो जो लास्ट की दो वैल्यू आई थी इन दोनों को माइनस करके आधा कर देते तो हम पेंसिल की वैल्यू निकल पाते। इससे से पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टेन की पावर 3x इज इक्वल टू 125, और आपसे पूछा गया है टेन की पावर -2x की वैल्यू बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट ही हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहेंगे। इसे करते हैं तो टेन की पावर 3x है, ये जो 125 लिखा हुआ है ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, दोनों तक पावर में 3 है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, तो टेन की पावर इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। पावर 3 को छोड़ा भी जा सकता है या आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ क्या कर दिया है, क्यूब रूट कर दिया है, घनमूल कर दिया है। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये नेगेटिव पावर है तो सबसे पहले इसे उल्टा कर लीजिए, उल्टा करके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद ये जो टेन की पावर एक्स है, इस टेन की पावर एक्स में 5 रख दीजिए, ये पावर 2 ऐसे रहेगी, और 5 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 25 होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 1/25 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा में जो है कुछ बेंच है, ये कहा गया है कि एक कक्षा में कुछ बेंच पड़ी हुई है, यदि एक बेंच पर 6 स्टूडेंट बैठते हैं, तो एक बेंच पर 6 स्टूडेंट बैठते हैं तो कहा गया है कि एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एक बेंच और चाहिए अगर एक बेंच पर 6 स्टूडेंट बैठे तब। उसके बाद यदि एक बेंच पर 7 स्टूडेंट बैठे
तो पांच छात्र और बैठ सकते हैं। ये माइनस फाइव लिख रहा हूँ, माइनस फाइव में से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेंच कम पड़ गई थी तो एक बेंच और चाहिए थी और यहाँ पहले से जगह खाली है, पांच स्टूडेंट और बैठ सकते हैं, तो मैंने उसे माइनस फाइव से इंडिकेट कर दिया है यहाँ पे। और आपसे कहा गया है कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी प्रीसेंट भी कई बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके डिजिट भी चेंज नहीं होती है, जैसे कि क्वेश्चन है ये कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर भी आप डाट याद रखें 72 इसका आंसर आता है। यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, फिर भी मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, तरीका देखिए। मान लीजिए स्टूडेंट हैं वो एक्स हैं, स्टूडेंट तो हमें निकालना है, स्टूडेंट ना मान के बेंच मान लिया पहले, ये जो बेंच है वो हमने मान लिया एक्स। अब एक बेंच पे जो है छह स्टूडेंट बैठ रहे हैं और फिर एक बेंच की जरूरत और पड़ती है बाद में, तो शुरू में तो बेंच एक्स थी, एक बेंच और चाहिए, तो बेंच कितनी हो गई है एक्स प्लस वन, और उसमें कितने स्टूडेंट बैठ रहे थे छः। एक बेंच में छः स्टूडेंट बैठ रहे थे तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए सिक्स एक्स प्लस वन हो गए। अब दूसरी लाइन से आते हैं, बेंच कितनी थी एक्स थी, एक बेंच में जो है सात स्टूडेंट बैठ रहे थे और पाँच स्टूडेंट और बैठ सकते हैं, यानी कि माइनस फाइव कर दिया। अगर हम जनरली से ध्यान से देखें तो ये भी टोटल स्टूडेंट है और ये भी टोटल स्टूडेंट है, इसलिए दोनों को हम क्या लगेंगे बराबर का निशान लगा देंगे। अब ये हो गया सिक्स एक्स प्लस सिक्स और सेवन एक्स माइनस फाइव, सात में से छः माइनस कर दीजिए ये एक्स आ गया, और छः और पाँच कितने हो जाएंगे ग्यारह। इस तरह से एक्स वैल्यू जो है ग्यारह आ गई है, और एक्स मैंने क्या माना था बेंच मांगी थी मैंने, तो ये जो ग्यारह है ये बेंच है, और मुझसे बेंच नहीं पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो एक्स की वैल्यू है वो या तो यहाँ रख दीजिएगा या यहाँ रख दीजिएगा, क्योंकि ये भी टोटल स्टूडेंट है और ये भी टोटल स्टूडेंट है, तो इसमें यहाँ रखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जब मैं यहाँ ग्यारह रखूँगा, ग्यारह और एक बारह और ट्वेल्व सिक्स जा 72, यानी कि 12 छः 72, तो जो टोटल स्टूडेंट है कितने 72। और ये मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये क्वेश्चन एज इट इज डिजिट भी चेंज नहीं हुई, कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर भी आप डाट याद रखने की कोशिश करें। अगर डिजिट चेंज हो जाती है तो आपके पास तरीका है, और डिजिट चेंज नहीं होती है तो एकदम आप निशान लगा दीजिए और आपका नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, साथ साथ क्वेश्चन उतारते रहे तो मुझे फिर रब करने पड़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आज जो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन किसी के चैप्टर से हो सकता है, कि मेरा उद्देश्य यह है कि आज मैं आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस डैश डैश, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके भी करने के कई तरीके होते हैं, बाकी जो मुझे बताना है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जब भी क्वेश्चन आ जाए जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उससे नेक्स्ट नंबर ले लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर, तो दो से जो नेक्स्ट नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग वो चार होता है, दो से आगे तीन होता है, लेकिन तीन तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो चार क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, चार लिख लिया। अब इसका नोट कर दीजिए और ये इसका डॉट आंसर है, ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का अंडर रूट निकालिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगर हम इसे तरीके से करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन वगैरह बनानी पड़ेगी मुझे, तो उसका तरीका ये है कि इस संख्या के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका टोटल तो 7 आए लेकिन उनकी मल्टीप्लाई 10 है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 और 2 हैं, इसे 5 और 2 7 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं। अभी जो नंबर है इसके ऊपर अंडर रूट लगाइए, ये जो नंबर है इसके ऊपर अंडर रूट लगाइए, ये प्लस है तो प्लस लगाइए एंड गेट द आंसर, ये आपका डैट आंसर है। और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से करेंगे तो तुरंत ही आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने डिटेल लिखी हुई है, बाकी मैं आपको डिटेल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन ना लिखना पड़े। क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, मतलब एक क्रिकेट का प्लेयर था उसने 10 इनिंग्स खेली, उसका कुछ एवरेज था, तो 10 पारी खेली उसने और उसका कुछ एवरेज था, ये कह दिया गया कि कुछ औसत था उसका समय एवरेज था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए
ग्यारहवीं पारी में उसने 108 रन बनाए, उससे उसका एवरेज जो औसत था उसका उसमें 6 की वृद्धि हो गई उसके एवरेज में। तो कहा है कि अब उसका औसत बताओ, अब प्रेजेंट उसका एवरेज क्या है। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो ये होती है कि जो रन बनाए हैं वो लिख लेंगे पहले, फिर माइनस का निशान लगा लीजिए। ये ग्यारहवीं पारियाँ बनाए हैं तो उसे एक कम फायदे लेनी है 10, और जितना इंक्रीमेंट हुआ है यानी जितनी वृद्धि हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए और ये डायरेक्ट आपका आंसर है। तो अब जो उसका एवरेज है वो कितना है 48। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 7, ये कहा है कि 1 से 50 तक जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं यानी कि होल नंबर, उनका औसत बताइए, उनका एवरेज बताइए, ये कहा गया है। तो अगर हमें विषम संख्याओं का एवरेज निकालना होता है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है एन। इसका मतलब विषम संख्या जितनी होती हैं उतना ही उनका एवरेज होता है। तो आप देख रहे हैं 1 से 50 तक तो टोटल संख्या है, तो जो विषम संख्या होगी वो कितनी होंगी 25 होंगी, तो उनका एवरेज भी क्या होगा डायरेक्ट 25 ही उनका एवरेज। इस तरह से उनका आंसर आ गया है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कहा गया है कि दो लगातार संख्याएं हैं, देर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, और उनका जो गुणनफल है वो 462 है। तो दो लगातार संख्याएं हैं, एक एक्स मान ली एक एक्स प्लस वन मान ली। जनरली ऐसे ही किया जाता है, हिंदी में इन्हें क्रमागत बोला जाता है, इंग्लिश में इन्हें कंसेक्यूटिव बोला जाता है। तो कहा है कि दो लगातार संख्याएं हैं और उनकी जो मल्टीप्लाई है ऐसे वो 462 है, ये कहा हुआ है। तो इनमें से छोटी संख्या बतानी है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो जैसे मैंने लिखा है ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके फैक्टर कर लेंगे एंड गेट द आंसर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें तो कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, सोच सकते हैं। तो जनरली 20 और 20 मल्टीप्लाई कितनी होती है 400 होती है, और ये 462 है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर आएगा 20 से थोड़ा सा फॉरवर्ड आएगा, ये आगे आएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि बाद में कितना है 2 है, तो 21 और 22 ऐसी दो संख्याएँ होंगी जो लगातार भी हैं, जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 462 आएगी, और छोटी संख्या पूछी थी मुझसे तो ये आंसर आ गया 21। तो ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी है और ना ही मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ी है। तो जो क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोच सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, विद द हेल्प ऑफ थिंकिंग, उसे आप जितना सोच पाए उतना अच्छा है, उतनी ही आपकी स्पीड निकल के आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है कि 3 के 3 क्रमागत गुणज हैं। गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, मतलब 3 के जो हैं 3 लगातार मल्टीपल हैं, ऐसा कुछ कहा गया है। तो अगर मल्टीपल मानेंगे तो 3x, 3x+3 और 3x+6 ऐसे मानने पड़ेंगे, मतलब 3 के लगातार 3 गुणज बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल। और फिर कहा हुआ है कि जो टोटल है वो 90 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबको जोड़ के 90 के बराबर रख देंगे, वहाँ से एक्स वैल्यू निकल जाएगी, एक्स वैल्यू को यहाँ रख देंगे सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। लेकिन फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि 90 क्या था, टोटल था, संख्या कितनी थी 3, जब मैंने इसको इससे भाग दिया तो ये 30 आ गया। ये जो 30 है क्या आना चाहिए, यह आना चाहिए एवरेज, क्योंकि जब हम सम को नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एवरेज आता है, और एवरेज हमेशा होता है बीच में। तो एक नंबर से पहले क्या आएगा 27 आएगा, और एक नंबर से बाद में आएगा वो क्या आएगा 33 आएगा। तो ये जितने भी नंबर है वो 3 के मल्टीपल है, इसलिए हमें 3 के टेबल में लेना हमें जरूरी होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी है आपसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 33, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर है इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। वन अपॉन 20 प्लस 1/30
प्लस 1 अपॉन 42 प्लस 1 अपॉन 56 और कहा है किसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि एलसीएम से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, 20 लिखा हुआ है तो 4 इंटू 5 लिख लेंगे, 4 5 जा 20, ये 30 है तो 5 इंटू 6, ये 42 है तो 6 इंटू 7, ये 56 है तो 7 इंटू 8। तो आप देख पा रहे हैं कि इनमें डिफरेंस 1-1 का आ रहा है। सबको यही सवाल की पहचान है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, छोटे से बड़े की तरफ। इसके बाद एक चीज ट्रिक होती है, 1/d 1/f माइनस 1/l। डी का मतलब होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 1-1 का आ रहा है तो 1/1 लिख देंगे। एफ का मतलब होता है फर्स्ट यानी कि 1/4 और एल का मतलब होता है लास्ट यानी कि 1/8। इस 1 को आप छोड़ सकते हैं, इनके एलसीएम ले लीजिए, 8 आ गया, 4 2 8 और 2 1 2 और 8 1 8 1 1 1 और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1/8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1/8 होगा। नेक्स्ट नंबर 11, नंबर 11 देखते हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 1+a प्लस अंडर रूट 1-a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दे रखा, ये क्वेश्चन सेम डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके, कुछ चेंज होने का, कोई भी डिजिट चेंज नहीं होगी। तो मेरी एडवाइस है ये तो इसका आंसर आता है, यानी कि अंडर रूट 3 इसका आंसर होता है। थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं कि कैसे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसके में वैल्यू निकालनी है इसे लेकर चले जाएंगे, 1+a प्लस अंडर रूट 1-a और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अंडर रूट के अंदर जब ab करोगे a प्लस बी a माइनस बी तो हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस a से माइनस a कट गया, 1 और 1 क्या आ गया 2 आ गया प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस a की वैल्यू आपको अंडर रूट 3/2 रखी है, जब इसे यहाँ रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4। उसके बाद 2+2 इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 आ गया, 4 1 4 3 गया 1/4 आ गया, 2+2 इसका अंडर रूट कर दीजिए 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 आ गया। तो ये जो 3 वैल्यू आई है ये इसकी आई, जब यहाँ से स्क्वायर हटाया जाएगा तो क्या रह जाएगा, अंडर रूट 1+a प्लस अंडर रूट 1-a और इस 3 को क्या चल जाएगा अंडर रूट। इस तरह से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3 आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी सीजीएल वगैरह में कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है मेंसुरेशन से है, एक सर्किल है यानी कि वृत्त और कहा है कि इसकी रेडियस में 50% की वृद्धि हो गई है, इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई है, तो इसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो इसके ठीक है सुरमा 100 मान लेंगे, 50% की वृद्धि हो गई तो सुरमा 50 जोड़ दीजिए 150 हो गया, 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ है तो जो कॉमन 0 है उन्हें छोड़ दीजिए ताकि क्वेश्चन मेरा छोटा हो जाए, यहाँ 10 आ गया यहाँ 15 आ गया। अब 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100, 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225, इसमें से माइनस कर दीजिए और ये आपका डायरेक्ट आंसर है। यानी कि अगर किसी सर्किल की रेडियस में 50% का इंक्रीमेंट हो तो उसके एरिया में 125% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है, एक ऑफिस में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं
एक ऑफिस में जो चाय पीने वाले हैं वो हैं 72%, जो कॉफी पीने वाले हैं वो है 44%, और जो दोनों पीते हैं चाय भी और कॉफी भी, तो मैंने यहाँ बी लिख दिया बी फॉर बोथ, जो दोनों पीते हैं वो है 40। तो आपसे कहा है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, दोबारा सुन लेते हैं एक बार, किसी ऑफिस में जो चाय पीते हैं वो 72% है, जो कॉफी पीते हैं वो 44% है, दोनों जो पीते हैं वो 40 हैं, तो टोटल कितने हैं। तो इसे करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है बी इंटू 100 अपॉन फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस 100। बी का मतलब है बोथ, यानी कि 40 गुना 100, फर्स्ट का मतलब है टी और सेकंड का मतलब है कॉफी, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। बाद में जब 40 जोड़ेंगे आ जाएगा 116 में से 100 घटा दीजिए क्या आ गया 16 आ गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 से 8 दीजिए 50 और 50 पंजे 250। और ये डायरेक्ट आंसर आ गया कि इस ऑफिस में जो कुल कर्मचारी हैं वो कितने हैं, 250 हैं 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 14 में लिखा हुआ है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक फर्स्ट है सेकंड है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, इसने पहले उम्मीदवार ने 41% वोट्स ले लिए लेकिन ये 5,580 वोट से हार गया, डिफीटेड हो गया, तो बताइए कि टोटल वोट्स कितने हैं, ये कहा गया है। तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, कई तरीके हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको, इसे डिफरेंस कहा जाता है क्योंकि हार और जीत किसे होती है, डिफरेंस है, कोई जीत जाता है तो उसकी वोट ज़्यादा आ जाती हैं, अगर हार जाता है तो उसकी वोट कम रह जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस है बिटवीन टू कैंडिडेट्स जिसकी वजह से हार या जीत हुई है, इसे क्या कहा जाएगा, डिफरेंस कहा जाएगा। अगर ये डिफरेंस है तो नीचे भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, 41% वोट इसे मिले हैं तो इसे कितने मिले होंगे, 59% मिले होंगे, क्योंकि जो टोटल होता है वो कितना होता है 100 होता है, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 18%, तो ये भी डिफरेंस था और ये भी डिफरेंस है, ये नीचे रख दीजिए, ये परसेंटेज में आ रहा है तो इन में क्या जाएगा 100 आ जाएगा। ये सब सोल्व करते हैं, 2 9 18, 2 2 4 और 1 बच गया 15, 2 7 14, 2 9 18 और 0, फिर 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 9 0 सीमेंट के इसमें कर दीजिए और ये आ गया है 31,000। तो जो टोटल वोट्स हैं वो कितने होंगे, 31,000 होंगे, ये हमारा आंसर नंबर 14। उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 15, नंबर 15 क्वेश्चन में है यदि एक ही इनकम बी से 25% ज्यादा है, आ गया है यदि एक ही जो इनकम है वो बी से 25% ज्यादा है तो जो बी की इनकम होगी वो ए से कितने परसेंट कम होगी, ये क्वेश्चन है। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम होगी, सुनने में ऐसा लगता है कि जब एक इनकम बी से 25% ज़्यादा है तो बी की इनकम भी ए से 25% ही कम होगी, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो इसके सवाल की शॉर्ट ट्रिक है आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, तो इसमें आर का मतलब है 25 रख दिया इंटू 100 रख दिया, अब यहाँ दो निशान दे रखे हैं, प्लस का है और एक माइनस का है, तो आप क्वेश्चन की पहले लाइन पढ़ेंगे, पहले लाइन में प्लस निशान लगा हुआ है तो प्लस लगेंगे और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगेंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, ये आ गया 125, इसको से काट दीजिए और गेट द आंसर, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि अगर ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है तो बी की इनकम ए से 20% कम होगी। ठीक, आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन समझाए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और जल्दी ही हम नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।